होगी सेटल। अब श्रीमान जी आप अपनी खुद बीती बताइए। मेरा नाम रंजीत है, मैं उज्जैन कस्बा जिला भरतपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं आपको दिखने में नजर तो आप ही की तरह आता हूँ, लेकिन आपकी तरह नजर आते हुए मेरे जो कर्म थे वो राक्षसों जैसे थे। मैं चार चार पांच पांच किलो की मच्छियां लाता था, उन मच्छियों को मैं अकेला भूंज करके खा जाता था। मैं जानवरों को मार करके और उसकी गर्दन काट करके उसका खून निकाल करके उस खून में नमक मिर्च डाल करके और उसकी भुजिया बना करके खाया करता था। मैं जानवर जैसे जैसे जानवर पड़ा है, बकरा है, गाय है, इनको मार करके और इनकी गर्दन काट करके, लील रोज है, इनको काट करके और इनके खून को निकाल करके पात्र में भर करके और उसकी भुजिया बना करके मैं खाया करता था। और जानवरों की चर्बी निकाल करके, जैसे भैंस को मार दिया, पड़ा को मार दिया, उसके पेट पर चर्बी का परत आता था। और कौन से जानवर को मारा? अभी तूने गाय का मुर्गा, गाय, मुर्गा, बकरा और भैंसा, इन सभी जानवरों को मार करके खून निकाल करके मैं उनका खून प्लस उनकी चर्बी निकाल करके उसके बेसन के लड्डू सुबह शाम दोपहर खाया करता था। प्लस हम लोग नहीं जानते, हम लोग हिंदी जानते। मैं मतलब सभी जानवरों की चर्बी निकाल करके उसके बेसन के लड्डू तीन बार, ऐसा नहीं एक बार खा लिया, चार लड्डू सुबह खाता था, चार लड्डू दोपहर में खाता था, चार लड्डू शाम को खाता था और पांच किलो मच्छी अलग खाता हूँ, जानवर को खून अलग पीता हूँ, उसके बाद बकरे का मांस काट करके, बकरे को काट करके उसका मांस लेकर के चामरों के साथ में बिरयानी बना करके खाया करता था। 10-15 अंडा लेके नहीं और 250 ग्राम दाल लेके नहीं, रांध के नहीं, और मैं उसे अकेला ही खा जाता था। 15 अंडा ने मैं 2 किलो दूध सुबह पीतो, 2 किलो दूध दोपहर में पीतो, 2 किलो दूध संध्या को पीतो और 7 रोटी सुबह खाता, 7 रोटी दोपहर में खाता, 7 रोटी संध्या को खाता। और जो लोग मुझे अपने घरों में बैठाते थे, जो लोग मुझे अपना हत्यासी और बहुत अच्छा इंसान समझते थे, मैं उन्हीं की बहन बेटियों के साथ में दुष्कर्म किया करता था। जिस थाली में खाना उसी थाली में छेद करना, दुष्कर्म का मतलब मैं बहन बेटियों का बलात्कार किया करता था। मेरी शादी नहीं हुई थी, शादीशुदा इंसान किसी दिन बिना स्त्री के रह सकता है, लेकिन मेरे पर बिना स्त्री और बिना मांस खाए एक दिन भी नहीं रहा जाता था, एक दिन 12 घंटे तक भी नहीं रहा जाता था। मेरे दांतों में सुरभुरी उठती थी मांस खाने के लिए, मेरी आंखों में और दिमाग में वासना भरी हुई थी, चाहे वो स्त्री तन 17 साल का हो या वो 60 साल का हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं था, मुझे सिर्फ उसके साथ संभोग करने से मतलब था। और नर्तन ना मिले तो भी कोई बात नहीं है, मैं काम चला लेता था, मैं नर्तन का भी बलात्कार किया करता था, नर्तन का भी। और ये सारी बुराइयां मैं छोड़ नहीं पाया। मेरे साथ में जिंद बाबा रहा करते थे, वो भी वो जो मुझे बताते थे वो हमेशा सही होता था। उन्होंने एक दिन मुझे बताया कि सृष्टि के रचयिता नारायण साकार हरि इस धरा धाम पर प्राकट हो चुके हैं, इस बात में रति भर दोहराया नहीं है और तू उनके दर्शन करने जा सकता है। तो मैंने कहा कि मैं जा सकता हूं दर्शन करने के लिए। तब उन्होंने मुझसे कहा कि नारायण साकार हरि के दर्शन करने के लिए संत जाते हैं, भक्त जाते हैं, ऋषि जाते हैं, मुनि जाते हैं, तपेश्वरी जाते हैं, तू तो राक्षस है, तेरा कर्म राक्षस जैसा है, अगर तू नारायण साकार हरि के दर्शन करने जाएगा तेरे भगवान ने तुझे कोई बचा नहीं सकता। तो मैंने उनसे पूछा तो क्या मैं जीवन में कभी भी नारायण साकार हरि के दर्शन नहीं कर सकता? तब उन्होंने मुझसे कहा कि तुम सुबह शाम नारायण साकार हरि जी का नाम लिया करो, हो सकता है कि उनकी कृपा तुझ पर हो जाए और तू राक्षस से मानव बन जाए। मैंने इन नारायण साकार हरि के कभी भी दर्शन नहीं किए थे, मैंने कभी वाणी नहीं सुनी थी, मैं अपने घर पर केवल इस मंत्र का उच्चारण किया करता था कि नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। मैं 5 बार सुबह शाम इस नाम को लिया करता था और इस नाम के लेने से 1 महीने के अंदर मेरे जो भी बुराइयां थी वो सारी बुराइयां केवल नाम के लेने से छूट गई।
जब सारी बुराइयां छूट गई तो मेरे से चिंद बाबा कहने लगे कि आज तू नारायण साकार हरि के दर्शन करने जा सकता है। और ये सोचने की बात है कि नारायण साकार हरि जी के नाम के अंदर इतना पावर है कि उस राक्षस को मानव बना दिया। तो सोचो, जब नाम ने एक राक्षस को मानव बना दिया तो जो नारायण साकार हरि जिस तन में प्रकट हुए उस तन के अंदर कितना पावर होगा, ये तू सोच सकता है। वो तन रहता कहाँ है? वो तन इस समय हम आप महापुरुषों के सामने विराजमान है, यही तन है जिस तन में नारायण साकार हरि विराजमान है। और इसके अंदर अथाह पावर है, इतना पावर कि इस ब्रह्मांड में किसी के शरीर के अंदर नहीं है। मैं दावे के साथ में ये राक्षस कह रहा हूँ, मैं खुद राक्षस था। इनके शरीर के अंदर इतना पावर है जो किसी के शरीर के अंदर नहीं है। लेकिन जब मैंने पहली बार शहर मैनपुरी, जिला मैनपुरी, राजस्थान में इनके दर्शन किए तो मैं इनके दर्शन करके भ्रमित हो गया। क्यों? मैं कुछ समय पहले राक्षस था, ये तो चीखने चट नजर आ रहे, दाढ़ी मूछ सब छिला रखी, कोट पैंट पहन रखो, टाई लगा रखी, मैं ये कैसे भगवान है, ये तो अप टू डेट हीरो जैसे लग रहे, मैं तो इन्हें गलत जगह पर लाकर बैठा दिया। मैं जिंद बाबा से कह रहा था तो मैं जिंद बाबा मेरे से कहने लगा कि इनकी चीखनी सूरत पर मत जा, यही संपूर्ण ब्रह्म थे हैं और रहेंगे। इनसे पहले इस ब्रह्मांड में ना कोई था और कलयुग का अंत नारायण साकार हरि इसी शरीर के द्वारा करेंगे और इसी शरीर के द्वारा सत्य धर्म और मानव धर्म की स्थापना करेंगे। और जब तक नारायण साकार हरि चाहेंगे तब तक ये शरीर इसी तन के द्वारा इस धरती पर मौजूद रहेगा। लोग आएंगे, महापुरुष आएंगे, जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन हरि जी जब तक चाहेंगे इसी शरीर के द्वारा धरती पर मौजूद रहेंगे। ये मेरे से जिंद बाबा ने बताया। मैं महीने के प्रथम मंगलवार में जाया करता था। जब महीने के प्रथम मंगलवार में जाया करता था, छठे महीने का प्रथम मंगलवार करके मैं जब घर लौटा तो मेरे से जिंद बाबा कहने लगे, ये महीना हम दोनों के लिए बड़ा सौभाग्यशाली है। मैंने उनसे कहा, इस महीने में ऐसी कौन सी खास बात है कि हम दोनों के लिए सौभाग्यशाली है? तो मेरे से जिंद बाबा ने कहा, इस महीने सृष्टि के रचयिता नारायण साकार हरि का आगमन 17 दिन के लिए कस्बा खेली, जिला अलवर, राजस्थान में उनका आगमन हो रहा है और हम दोनों 17 दिन उनके निज स्वरूप के दर्शन करेंगे और उनकी ब्रह्मवाणी सुनेंगे, हम दोनों का कल्याण हो जाएगा। मैं अनपढ़ व्यक्ति था, निज स्वरूप नहीं जानता था। मैंने उनसे पूछा निज स्वरूप क्या होता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि जिस घट में जो रूप नारायण साकार हरि का हमें दिख रहा है यही नारायण साकार हरि का निज स्वरूप है और इन्हीं के दर्शन करने से और ब्रह्म वाणी सुनने से जीव का कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। मैं उनके कहने से 17 दिन के लिए कस्बा खेली, जिला अलवर, राजस्थान के लिए चला गया और मैंने वहां 4 दिन सत्य का साथ सुना। 4 दिन में क्या देखा कि हजारों हजारों की तादाद में प्रतिरोज जिंद भूत चुड़ैल खईस खेला करते थे और वो केवल नारायण साकार हरि के निज स्वरूप के दर्शन करने से और ब्रह्मवाणी सुनने से वो ठीक हो जाया करते थे। और 5वें दिन मैं पांडाल में जाता हूँ, मेरे बगल में जिंद बाबा बैठे हुए थे, मेरे बगल में बैठे हुए थे। नारायण साकार हरि जी आते हैं, माइक उठाते हैं और कहने लगे कि इस पांडाल के अंदर आज राजस्थान के जितने भी जिंद भूत चुड़ैल खईस हैं वो सारे सारे आ जाओ। तो मेरे बगल में जिंद बाबा बैठे हुए थे, मेरे से कहने लगे कि सृष्टि के रचयिता नारायण साकार हरि ने मुझे बुलाया है। मैंने उनसे कहा, आपको बुलाया है तो आप चले जाइए। तो वो मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर गए। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे तन के रिश्तेदार वहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे सारी घटना की जानकारी दी। मैंने पहली छलांग लगाई, गैलरी में जा कूदा और दूसरी छलांग लगाई। मैं प्रभु जी का जो सिंहासन का जो एरिया होता है मैं वहां पर जा कूदा, 8 घंटा नृत्य किया, राज किया। राज करने के बाद मेरे हाथ में माइक थमा दिया। माइक थमाने के बाद हरि जी ने कहा कि कौन हो तुम? तो जिंद बाबा ने कहा, हे नारायण साकार हरि, मैं एक जिंद हूँ। जब हरि जी ने कहा किसे कहते हैं जिंद, कैसा होता है जिंद, तब जिंद बाबा ने कहा, हे नारायण साकार हरि, कवरेज सही हो रही है? हाँ हो रही है। हाँ, हे नारायण साकार हरि, मैं पिछले जन्म में एक इंसान था। जब मैं पिछले जन्म में इंसान था तब ख्वाजा गरीब नवाज शरीर के द्वारा धरती पर मौजूद थे और मैं उनके दर्शन किया करता था
उनकी वाणी सुना करता था और मैं दुष्कर्म किया करता था, मैं नशा करता था। नशा करने के बाद मुझे मांस खाने की इच्छा होती थी और मैं जिंदे बच्चों को ढूंढ ढूंढ करके लाता था और उन्हें जिंदा भूंज करके खाता था। जब मैं पिछले जन्म में इंसान था तो ये जिंदा बाबा बता रहे थे। और एक दिन मुझे बच्चे को ले जाते हुए पकड़ लिया और मुझे पीट पीट करके मार दिया गया। जब मुझे पीट पीट करके मार दिया गया तब मुझे पता चला कि आत्मा और शरीर अलग अलग होते हैं, क्योंकि मेरा मरा हुआ शरीर जमीन पर पड़ा हुआ था और मेरी आत्मा जमीन पर खड़ी हुई थी। तब मैं नारायण साकार मैं ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ जाता हूँ और कहने लगा, हे अल्लाह मुझे दोबारा से मानव योनि में जन्म दे दो, अब की बार मैं सत्कर्म करूँगा। तब मुझे ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि तुम, मैं नारायण साकार हरि जी का भेजा हुआ निमानदा हूँ, मैं नारायण साकार हरि जी का मुरीद हूँ, तूने मेरे दर्शन किए, मेरी वाणी सुनी, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू हमेशा हमेशा के लिए जिंद बन जा। हे नारायण साकार हरि, मैं उसी टाइम पर जिंद बन गया। मेरे लंबे लंबे दांत निकल आए, मेरे मुंह से खून और मवा टपकने लगा और मैं रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, हे अल्लाह आपने मुझे श्राप दे दिया, लेकिन अभी आपने मुझे बताया कि आप नारायण साकार हरि के भेजे हुए निमानदे हैं, अभी आपने मुझे बताया कि आप नारायण साकार हरि के मुरीद हैं, इसका मतलब आप महान पुरुष हैं। अगर आप महान पुरुष हैं तो मुझे श्राप से मुक्त होने का मार्ग बता दो। तब ख्वाजा गरीब नवाज ने मुझे मार्ग बताया कि तू इस जिंद योनि में रहते हुए नारायण साकार हरि का इस जिंदियोनी में रहते हुए तू नारायण साकार हरि जी का भजन करना, इस जिंदियोनी में रहते हुए तू मानवता वाला कर्म करना, इस जिंदियोनी में रहते हुए तू नारायण साकार हरि जी का व्रत करना, और जब गुरु कलयुग आएगा तब सृष्टि के रचयिता नारायण साकार हरि इस धराधाम पर प्रकट होंगे और वो तुझे अपने चरण कदमों से मुक्ति देंगे, अन्यथा तुम्हें कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। जिंद बाबा को उसी दिन मुक्ति मिल गई और वो मेरा साथ छोड़ करके चले गए और मुझ शैतान को, मुझ राक्षस को नारायण साकार हरि के चरणों में छोड़ गए। और एक बात और बताए देता हूँ जो मैंने इसी दौसा में बताई थी, इससे पहले कभी नहीं बताई। जो जिंद बाबा रहते थे वो मेरे लिए बड़े भाई थे, मेरे दोस्त थे और मैं उन्हें हमेशा पिताजी कह करके संबोधित करता था। कई बार मुझसे नारायण साकार हरि ने इस विषय में बात की, लेकिन मैं नारायण साकार हरि के सामने झूठ बोल देता था। लेकिन मैंने जब दौसा में मुझसे पूछा तो मुझे ये सच्चाई बतानी पड़ी थी कि इस बात में कोई रत्ती भर दोहराय नहीं है कि मेरा बाप भी एक शैतान था। तो प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। और कुछ कहना बंद करो।